स्वागत है आपका हमारे न्यू और फ्रेश चैनल नेचर टेक में, जहाँ पर नेचर, टेक्नोलॉजी और नॉलेज तीनों आपको एक साथ मिलने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नेक बैंड, और इस बार नेक बैंड है वो है कायरो कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और साथ ही साथ अगर बात करें साउंड वाले प्रोडक्ट्स की, तो साउंड में बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके और भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि जब मैंने इसे यूज़ किया तो क्या सच में ये उस लायक है, वो क्वालिटी दे पा रहा है क्या। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की। तो दोस्तों, ये है कायरो कंपनी के नेक बैंड का बॉक्स, जो पर काफ़ी फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये स्विट प्रूफ है, कंफर्टेबल फिट है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दे रहा है आपको हैंड फ्री कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए। और बैटरी की बात करूँ तो बैटरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पर आपको 260 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो आपको लगभग 28 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है, मतलब 28 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं और क्या है अंदर खास। तो ये कुछ इस टाइप से इसकी पैकिंग होती है, यहाँ पर आपको USB चार्जर केबल मिल जाती है, इसको भी साइड रखते हैं। साथ ही ये है आपका नेक बैंड, दोस्तों इसे भी साइड रखते हुए, ये है नेक बैंड। काफ़ी हैवी लग रहा है हाथ में पकड़ने के साथ साथ, जो कलर वगैरह है, जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ बड्स वगैरह थोड़े साइज़ में बड़े हैं, तो हल्का सा मुझे वेट ज़्यादा लग रहा है, वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका बैटरी काफ़ी अच्छा है, तो बैटरी का वेट बढ़ा और साथ में बैटरी बढ़ी तो उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा। आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है इसके बड़े साइज़ का, अदरवाइज़ बड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। साथ में आपको यहाँ पर पावर ऑफ का और ऑन का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाते हैं, कॉल अटेंड के लिए आप यहीं से एक स्विच मिल जाता है, और यहीं पर आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है, जहाँ से आप कॉल वगैरह में अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ठीक ठाक डिज़ाइन के साथ में, इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है, मतलब दूर से देखने पर लग रहा है कि ये काफ़ी भारी होगा, पर इतना भारी भी नहीं है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि साउंड वगैरह में ये कैसा है। तो कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, के पावर बटन को होल्ड करना है, देन स्कैन करने पर आपको इजीली नाम मिल जाएगा और ये कनेक्ट। खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि इसको बार बार चार्ज ना करना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि मैं ऐसे पिछले एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसका बैटरी अभी भी 50% समथिंग, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बैटरी के हिसाब से, क्योंकि 260 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप जब इसको लगाते हैं तो आपको आसपास का साउंड नहीं आता है, बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी आपको मिलती है, एक बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है, साथ ही साथ आपको कॉलिंग फीचर्स भी देखने को मिलता है कि आप अगर चलती गाड़ी पर ड्राइव करते समय अगर बात करते हैं तो सराउंडिंग नॉइस आता है, पर उतना नहीं आता, बिल्कुल माइनर। तो ये एक बेस्ट चॉइस बन सकता है आपका नेक बैंड के मामले में। तो हमने इसे कहाँ से खरीदा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर। और साथ ही साथ आपके जो सजेशन है, जो आपके जो भी सुझाव है, तो हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम हमारे वीडियोस में सुधार करें। तो मिलते हैं आपसे।